सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, मेरे साथी मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री भाई गिरिराज सिंह जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी भाई नित्यानंद राय जी, श्री सुशील कुमार मोदी जी, श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु देवी जी, हमारे वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह जी, नंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, शाहनवाज हुसैन जी, श्री भिखूभाई दलसानिया जी, श्रीमान नागेंद्र जी, श्री सम्राट चौधरी जी, श्री जनक चमार जी, श्री विनोद तावड़े, हमारे विनोद जी आगे आइए, सबको परिचय हो, हमारे नए प्रदेश प्रभारी बने हैं, भाई ताली बजाओ जोर से, हमारे सह प्रभारी श्री हरीश द्विवेदी जी, ऋतुराज सिन्हा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूड़ी जी, संजय मयूख जी, नितिन नवीन जी, संजय चौरसिया जी, सुशील कुमार चौधरी जी, उपस्थित सभी सम्माननीय सांसदगण, और आज इस चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में दोपहरी धूप में आए हुए सीमावर्ती चार जिलों के मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जयंती है, मैं बड़े मन से उनको प्रणाम करकर श्रद्धा सुमन देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। दिनकर जी की कविताओं ने न केवल आजादी के आंदोलन को धार दी, उनकी लेखनी ने भारतीय संस्कृति को भी मजबूती प्रदान करने का काम किया। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब पूरण देवी मंदिर की मां पूरण देवी को बड़ी श्रद्धा के साथ प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। कबीरपंथी धर्मगुरु जो अभी अभी हमारे बीच में नहीं रहे, सदगुरु धर्मस्वरूप जी को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। ये भूमि बड़े बड़े लोगों का जन्मस्थली रहा है। महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की यह जन्मभूमि रही। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री श्री भोला पासवान शास्त्री को भी इसी पूर्णिया जिले ने दिया। हिंदी के प्रकांड विद्वान अनूपलाल मंडल, प्रसिद्ध बांग्ला लेखक और राजनेता सतीनाथ भादुड़ी, लक्ष्मीनारायण सुधांशु, साहित्यकार जनार्दन प्रसाद द्विज, अनेक लोगों ने इस भूमि में कई क्षेत्रों में अपना अपना योगदान दिया है। मित्रों, आज मैं यहां सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है। लालू जी, आप पर्याप्त तो हो झगड़ा लगाने के लिए, आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के
चार जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है, यहां पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, इतने दूर दूर से जो भीड़ आई है, ये लालू नीतीश की सरकार के लिए चेतावनी का सिग्नल है। मित्रों, मैं विशेष कर इतनी बड़ी संख्या में जो माताएं बहनें आई हैं, उनको विशेष प्रणाम करना चाहता हूं। और इस उपस्थिति निश्चित रूप से हम सबका मनोबल बढ़ाएगी। बिहार की यह भूमि परिवर्तन का केंद्र रही है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन हो या लोकतंत्र के खिलाफ जो इंदिरा जी ने इमरजेंसी डाली, इसके खिलाफ जय प्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो, ये बिहार की भूमि से ही शुरू हुआ है। और आज भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। मित्रों, हम स्वार्थ और सत्ता की राजनीति की जगह सेवा और विकास की राजनीति के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जो यहां पर बिहार की भूमि पर से एक आंदोलन खड़ा हुआ था, कभी वो आंदोलन को छेद देने का काम, दगा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। मगर मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। मित्रों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार का सत्ता के स्वार्थ से दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलिए, बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए, आपने आपकी राजनीति की शुरुआत से ही एक के बाद एक के बाद एक कई लोगों के साथ यही किया है। सबसे पहले जनता पार्टी में देवीलाल गुट के साथ आप चले गए, उसके बाद लालू जी के साथ कपट किया। लालू जी, आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में बैठ जाएंगे और आप धरे के धरे रह जाओगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। लालू जी को छोड़ा, सबसे बड़ा धोखा नीतीश जी ने अगर दिया तो देश में प्रतिष्ठित समाजवादी नेता, राष्ट्रभक्त नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस को उनके कंधे पे बैठकर समता पार्टी बनाई, और जॉर्ज बाबू का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तनिक देर भी नहीं लगाई, इनको हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर शरद यादव जी के साथ धोखा किया, उसके साथ, उसके बाद पहली बार भाजपा के साथ धोखा दिया, फिर जीतन राम मांझी को धोखा दिया, उसके बाद रामविलास पासवान के साथ कपट किया, उसके बाद लालू जी को फिर से धोखा देकर बीजेपी के साथ आए, और अब फिर से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में वो फिर से बीजेपी को धोखा देकर लालू जी के पास चले गए हैं। मित्रों,
मैं आज इस विराट सभा से